जी, वो दिन कब आएगा जब हमारा ट्रैक्टर भी इस जमीन पर चलेगा? ठहर जा बेटा, कोर्ट के फैसले का ही इंतजार है। ओहो, फिर वही कोर्ट, फिर वही फैसला। पिताजी, ये खेत मेरी आंखों में खटक रहा है। छोटे ठाकुर, अपनी आंखों को चेक करवा लीजिए, जिसमें दूसरों का माल खटकता रहता है। हमारी आंखें चेक कराने के लिए नहीं है पंडित, बल्कि तुम्हारे जैसे कायरों को दिखाने के लिए है। रस्सी जल गई ठाकुर, मगर बल नहीं गया। पंडित, हमें इतना मत उकसाओ कि हम बर्दाश्त ना कर सकें। बर्दाश्त करना सीखो ठाकुर, नहीं तो हाई कोर्ट का फैसला तुम्हें बर्दाश्त करना सिखा देगा। तू हाई कोर्ट की बात करता है, मैं तुझे सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा। तू क्या छोड़ेगा और क्या पकड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये वक्त नहीं बताएगा पंडित, हम बताएंगे हम। ठाकुर, था चली गई पर कुर अभी बाकी है। पिताजी, आप मुझे आदेश करो तो मैं आज ही फैसला कर दूं कि ये जमीन किसकी है। फैसले मर्द करते हैं, दूध पीते बच्चे नहीं, समझे? तुम्हारे लिए मर्द क्या, हमारे दूध पीते हुए बच्चे काफी है। पंडित, ये पानी में उठते बुलबुलों को रोको, वरना हमें मजबूर होना पड़ेगा इन्हें शांत करने के लिए। मजबूर तो मैं करूँगा ठाकुर, बस एक बार कोर्ट का फैसला आ जाए। उसी फैसले का तो मुझे भी इंतजार है, उसके बाद ही मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। चलो बच्चों, हम नहीं चाहते कि जिन्हें हमने खीर खिलाई है उन्हें गोली भी खिलानी पड़े। तुम भी चलो बच्चों, ऐसा ना हो जिनको हमने तमाचों से पढ़ना सिखाया है उन्हें हमें हथियारों से सिखाना पड़े। मियां अब्दुल। हाँ जनाब मलखी। कुछ खास मजा नहीं आया, आग लगने से पहले ही बुझ गई। घी डाल दे घी। काट रहे है रज्जो? जी ठाकुर साहब। रज्जो, चतरे से जूती के लिए बोला था हमने। चतरे से तो मैंने भी कहा था जूती के लिए। मैं उनसे बोल दूंगी, दे जाएंगे। क्या क्या बोली तू? हाँ, पंडित और ठाकुर दोनों जीत पे आ रहे हैं। वो कहे पहले मेरी जूती बना, वो कहे पहले मेरी। अब क्या होगा, जीत तो उनकी और परेशानी हमारी। और हाँ बेटा, तू आज पंडित के चला जाइए, छोटा मोटा काम बताए तो कर दीजिए। मेरे बस की ना चाकरी, और इस पंडित के तो कती ना झाकू। क्यों? दोनों अलग अलग कट दिखावे बाप बेटे। और तू ठाकुर के भी ना जावे? कतई ना जाऊं। इन्होंने किया ही क्या हमारे साथ, सदियों से हमारा शोषण किया है। बेटे ऐसी बात नहीं है, ये हम रियाया का ध्यान रखें। और पता, छमाई से पहले अनाज देवे और बाद में इनके घर जावे। कितना देवे? इतना दे देवे कि पेट भर जावे हमारा। कितना पेट भरता है मुझे अच्छी तरह पता है। तो बेटा पुश्तैनी काम ही कर ले। यू काम करूंगा मैं? हाँ। और क्या करेगा भाई? मैं सिर्फ पढ़ना चाहता। पढ़ लिए फिर क्या होगा? पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो ऊंच नीच जात पात और भेदभाव खत्म कर सकती है। भाई तुझे जो करना कर लीजिए, मुझे कस्बे जाना है, साइकिल निकाल और ले चल। राम राम चतुर चाचा। राम राम। कैसे परेशान हो? ज्ञान ले रहा हूँ गुरु जी से, तू भी ले ले। एक महापुरुष पैदा हो गया हमारे घर में, हवा में मत उड़े हवा में। एक मिनट में हवा निकल जाएगी उस पंडित की। बेटा दिमाग ठंडा रख। बेटा लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं होती। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है। भैया आप भी इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। देवर जी गुस्सा कम क्या करो। छोटे भैया ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब, वो करोड़ों की मिल्कियत है, इतनी आसानी से मत जाने देना। मुझे पता है बेटा, ये जमीन मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगा। लेकिन अब लेकिन क्या पिताजी? बेटा ठंडा करके खा, गरम खाएगा तो मुझल जाएगा। अरे बेटा मैं तो तुझे एक बात बताना ही भूल गई। बहू का फोन आया था, उसने कहा कि डॉक्टर के पास से उसकी रिपोर्ट लेके आ जाना। ले आऊंगा। पिताजी जमाने की धौंस ना सही जावे। और हम उनकी धौंस चुपचाप सहते रहे? ठाकुर हाथ तोड़े और हम हाथ जोड़े? ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मेरी एक बात समझ नहीं आती, मेरे रहते हुए क्यों आगे आगे बोलते हो? हाँ जिस दिन मुझसे बात नहीं बने, आप करिए अपनी जो मन में आए। सोला ने खरी बात कही है जी आपने। सही बात है, जो पिताजी कह रहे हैं ना वही करो। तू चुप रह, हम बात कर रहे हैं ना। भैया ये सब तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरी एक बात समझ नहीं आती, मेरे होते क्यों बीच में बोलते हो? और कोर्ट की अगली तारीख आने तक तो चुप रहो।
पंडित जी पाँव लागू, मिश्रानी जी पाँव लागू, हाईवे वाली जमीन की बात चल रही दिखे। हाँ। बड़ी कीमती जमीन है, इंचों में बिकेगी इंचों में, और ये ठाकुर खाम खाम में पंगा ले रहा है, जमीन आपकी है आपकी। पर हमारे पिताजी को तो ये बात समझ में आती नहीं। पंडित जी हल्के में मत लो इसे, आगे आपकी मर्जी। सुन लिया? अच्छा रहने दो इस बात को। अच्छा मलकी कैसे परेशान हो? पंडित जी परहित सरस धर्म ना भाई, दूसरों का भला करने के लिए लगा हूँ। सत्य वचन कहो मलकी, आजकल किसका भला कर रहे हो? वो क्या है पंडित जी, अपनी सीमा बिटिया है नहीं, उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेके आया हूँ। लड़का क्या करता है? मिश्रानी जी लड़का तो राजा है, राजा, और राजा भला काम करता है, समझो अपनी सीमा बिटिया तो राज करेगी राज। अच्छा ये तो बताओ रिश्ता कौन से गांव से है? श्याम नगर से है। क्यों पंडित जी, वो मिश्रा जी का लड़का है ना, उसी का रिश्ता लेके आया हूँ। भाई मलकी श्याम नगर तो दूर, पूरे इलाके में हमारे जैसा पंडित खानदान कोई नहीं यहाँ। हाँ सो तो है। सीमा मेरी बेटी नहीं, मेरी शान है, ऐसी धूमधाम से शादी करूँगा कि पूरा इलाका देखेगा। लड़का हेलीकॉप्टर से आएगा, सारे गांव में लाइटें लगेंगी, पूरे इलाके के बैंड वाले आएंगे, पूरे 25 बीघा में टेंट लगाऊंगा और पूरे इलाके की दावत होगी। भाई मलकी ऐसी शादी होगी जो तो ना आज तक कभी हुई है और ना आगे कभी होगी। बिल्कुल पंडित जी, पर वो क्या अपनी सीमा बिटिया की पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ बस आने वाली है। अरे बिटिया बिटिया, अरे सुनो तुम तो पंडित जी की बिटिया हो ना? हाँ। गांव से कोई लेने नहीं आया? दरअसल मैंने किसी को बताया नहीं, मैं अपना काम खुद करती हूँ। कोई बात नहीं। अरे निखिल, अरे नहीं मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं, निखिल बेटा इनके सामान को लेके आ, आ जा, चल आ जा, मैं रखवाता हूँ। और आप? अरे तुम मेरी चिंता मत करे, मैं तांगे में चला जाऊंगा। ले चले जा, चल अब ले जा। क्यों नहीं? नेताओं को नोट खाने और उन्हें ठिकाने लगाने से ही फुर्सत नहीं है, अफसरों को ऊपर की कमाई से फुर्सत नहीं है, गांव में जात बिरादरी और आपसी रंजिश से फुर्सत नहीं है, सब भ्रष्ट हो गए हैं। कौन करेगा, किसको फुर्सत है काम करने? किसी को नहीं। ला मुझे दिखा जरा, ये हड्डी नहीं टूटी है, स्प्रेन है, अभी ठीक हो जाएगी। अब देख आराम है, पहले से तो आराम लग रहा है, चल कर देख ठीक होगा। ठीक होगा भैया, चलो हो गया ना, चले। क्या कहा तुमने अभी अभी, स्प्रेन क्या मतलब होता है उसका? मौज। हाँ जो जो बोल। अरे वाह प्यारे, अबे क्या सब देख रहा हूँ मैं। अरे कहाँ से ले आया इसे, कहाँ मिली तुझे? मैं बाद में बात करता हूँ।
अबे सुन तो सही यार, अरे बता तो दे कौन है, कहाँ से लाया इसे, कहाँ मिली? मैंने बोला ना बाद में बात करता हूँ। अबे अबे रुक तो सही, मैं फोन काट दिया ससुरे ने। ना हम बदलेंगे ना हमारी मानसिकता, लड़का लड़की एक साथ देखे नहीं, बस एक ही सोच है लोगों की, स्टूपिड। तुम कैसी हो? अच्छी हूँ ननन जी, आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। कोई खुशखबरी है क्या? पापा कैसी हो बच्चे? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। मेरी बच्ची तुम कैसी हो? नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। एक फोन कर देती मैं लेने आ जाता वहाँ से। भैया आपको तो पता है ना मैं अपना काम हमेशा खुद करती हूँ। एक दिन हमारा नाम रोशन करेंगी पूरे इलाके में मेरी बेटी। ये बात तो है। खुश हो रहा, क्या मिल गया हमें भी तो बता। भैया आप ताऊजी बनने वाले हो? अरे ये तो हमारे परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात है। अरे अरे क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। माँ जी आप दादी बनने वाली हैं। हे भगवान, इतनी वर्षों बाद तूने मेरी सुन ली। क्या सुन ली सुजाता? अरे आप दादा बनने वाले हैं। पिताजी ये रही डॉक्टर की रिपोर्ट। हे भगवान, मेरी बड़ी बहू की गोद भर जाए तो हम गंगा नहा लें। चिंता मत कर सुजाता, जिसने छोटी बहू का गोद भरा है वही बड़ी बहू का भी गोद भरेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं जीजा जी। फिर आ गए साले साहब। अब की बार माफ करिए जीजा जी। पाए लागो। जीते रहो। अरे यहाँ भी खुशी और वहाँ भी खुशी, यूं मेरे सीने पे सांप सखी गोद रहा है। बहू को पीहर गए हुए कितने दिन हुए? जिस दिन टेस्ट कराया था उसी दिन चली गई थी। दिन बता। 3 दिन हो गए। बेटा ससुराल फोन कर और ये खुशखबरी दे और पूछ उनसे बहू को लेने कब आऊं। जी पिताजी। भगवान हमें बस पोता दे दे। पोता हो या पोती, ऐसा जश्न करूंगा कि पूरा इलाका देखेगा। बस झूठ मत बोलिए, बिना मतलब के कोई किसी का सूट कैसे लेता। अरे पिताजी ने पंगा ले लिया, मुझे भुगतना पड़ा, तू समझता नहीं है। चल बाग में चल रहे हैं, अपना आम खाऊंगा। अरे इसी बात को तो मैं फोन पे कह रहा था कि बाग में चोरी से आम खाने का तो मजा ही कुछ होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, चलें। चल की जूती भी चली जाएंगी। तांस तो ले लूं, पानी पिला चल। जूती बन गई? हाँ बन गई, और एक की पहुंच भी गई, बस दूसरे की जानी है। लाऊं मैं दे आता हूँ। तू जाएगा तेरे? हाँ तो बड़ों की कोई तो बात माननी चाहिए, इसमें क्या हो गया? हाँ हाँ यही है। बेटा चिंता क्यों करते हो? जी कोर्ट का फैसला तो हमारे पक्ष में है। जी वकील से मेरी बातचीत हो चुकी है। ठाकुर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा। और ना ही कुछ कर सकता है। जी समझे क्या? अच्छा तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं। अरे आ गया तो चतरे के।
आजकल तेरे बहुत नखरे हो रखे। चलो आ तो गया। जी वो जुत्ती लाया था। जुत्ती तो तेरा बाप पहले ही दे गया है। ये तो ठाकुर के बच्चे की जुत्ती है, ले जा उसे वापस दे देना। अरे सुन, बाद में जूती उठाइयो, पहले बाहर का काम कर ले। और सुन, हो गया सारा काम? जी। और सुन, ये जूती बाद में ले जाइयो, पहले खेत में चल, बहुत सारा काम है वहां पे। मम्मी, मुझे भी खेतों पे जाना है। अच्छा, ऐसा कर, तू भी अपने पापा के साथ खेत। हाँ ठीक है। बेटा तू कब तक दबाएगी, जा एक कप चाय बना के ले आ। ठीक है माँ जी। छत्रे, हम अभी कोर्ट जा रहे हैं, यहीं रहना और ध्यान रखना। सुन रहे छत्रे के, जब तक हम कोर्ट से ना जाए यहीं रहियो। अरे अब्दुल। हाँ मलखी। पंडित और ठाकुर दोनों कोर्ट गए हैं। हाँ, देखो क्या नतीजा निकलता है। अरे नतीजा कुछ भी निकले, एक जीतेगा एक लड़ेगा मरेगा, और हमारे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। अरे वो गाँव ही क्या, और वो भड़बूत जाए क्या जिसका कोई बाड़ी ना हो। हाँ यार तू बता। अच्छा, अरे पता है बहुत अच्छा लग रहा है, अब देखो कब मिलना होगा दोबारा। और तू बता, तू ठीक है? यार जल्दी मिलेंगे। हाँ। और भाभी चाय बना दो। चाय तो बनी रखी है, अभी लाती हूँ। और बिस्किट भी लेके आना। ठीक है। ये लो चाय।
पल दो कितना हंसे होता है ये पल दो पल का प्यार दिल को सुखो देता है ये पल दो पल का प्यार। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं जाओगे तुम आज न कल मेरे यार। दिल को सुकून देता है ये पल दो पल का प्यार। मधु बहु। जी माँ जी। बेटा बाहर मौसम इतना खराब हो रहा है, वो लोग अभी तक आए नहीं, जरा फोन तो कर। सिर्फ तुम्हें ही देखती रही हूँ, इसका मतलब समझती हो तुम? नहीं पता नहीं। मैं सिर्फ एक बार तुम्हें छूना चाहती हूँ। हमारे छूने से आपके घरों के बर्तन तक अशुद्ध हो जाते हैं और फिर आप तो। मैं नहीं मानती इन सब बातों को, मैं 21st century की लड़की हूँ। सेंचुरियाँ समाज नहीं बदलती और तुम्हें रहना तो इस समाज में ही है। पर इंसान तो समाज को बदल सकता है। तो फिर क्या कहना चाहती? कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। ये नामुमकिन है। तुम्हारा दिल क्या कहता है? कि दिमाग की सुनो। और दिमाग क्या कहता है? कि आग से मत खेलो। और जो दिल में लगी है उसका क्या करूं? एक बार और सोच लो। सोच लिया, तेरे बिन नहीं जीना। निभा सकोगी? मेरी छोड़ो, मैं तो खुद तुम्हारे पास चलकर आई। जो चलकर आते हैं उन्हें जाने में भी देर नहीं लगती। मैं जो सोचती हूँ वही करती हूँ, जुबान की पक्की हूँ। तुम ये भी की जबान है, कभी पीछे नहीं हटेगी। मेरे दिल से उस दिल के जज्बात का हो
राम राम छोटे पंडित जी। राम राम अहो मलकी। फिर से तारीख लग गई, वो भी 6 महीने बाद की। सुना है छोटा ठाकुर जमीन पर ट्रैक्टर चलाने वाला है। इसकी तो उससे पहले वो ट्रैक्टर चलाए, इससे पहले तुम खेत में पानी भर दो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक कहता है मलकी, चलो आज वही हो जाने दो। खोलता हूँ पानी खेत में। आ क्या कितनी मत, तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे वो ट्यूबवेल चलाए, इससे पहले तुम ट्रैक्टर चला दो। ठीक है तो मैं भी आज ट्रैक्टर चला देता हूँ। रखे हैं, रखे रहने दो, मत उठवाओ। तुम्हारे हथियार हैं तो हमारे क्या कुर्बे दरा दिए? अपनी औलाद को समझाता नहीं और हमें हथियार दिखाता है? ए, मेरी औलाद की आड़ में अपनी औलाद की गलती छिपाता है? गलती तेरे इसकी है, ये ट्रैक्टर लेके आया क्यों? मैंने ये फार्मूला लेके आया था। सुन पंडित, अगर गलती करेगा तो इससे भी बुरा नतीजा होगा। नतीजे की बात मत कर, नतीजा तो तुझे कोर्ट दिखाएगा। फिर तेरी औलाद पंगा क्यों लेती है? ले जा इन्हें और समझा दे। ठाकुर मैं तो समझा दूंगा, लेकिन एक दिन तेरी औलाद धोखा खाएगी, याद रखना। चलो शेरो। अब बर्दाश्त नहीं होता, पानी सर से गुजर रहा है, अब इलाज करना पड़ेगा। इलाज इलाज परमानेंट इलाज करेंगे। अब बोलो। मुझे सेवा का मौका दो, परमानेंट इलाज कर दूंगा। कब? जब भी मौका मिलेगा। कैसे? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अभी। चल फिर। Thank you.
जो हुआ ना बहुत बुरा हुआ है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। इंसान को कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। ऊपर वाले का इंसाफ बड़ा निराला। यार निखिल मैं सोच रहा हूँ कि अरे कुछ कह रहा हूँ भाई मैं बदल चुका है। जा भाई जा पहाड़ों का आनंद ले। अब भी यहाँ सुखे झाड़ के पास बैठा है। जा Thank you.
हम तो दीवाने, खुद पे लगा तू सनम, हाथों में हाथ लिए खाली ये कसम। चाहत में तेरे फोटो बड़ा रोमांटिक है भाई। अरे ये तो आग लगा देगा आग। अब बकरे हो तुम, हमारे पास है कोई सबूत? हाँ, सबूत भी है मेरे पास और गवाह भी। ये देखो, ये सबूत है और ये गवाह। छत्रे छत्रे, कहाँ है तेरा छोरा? क्या हुआ छोटे मालिक, क्या हुआ, क्या हुआ? वो है कहाँ? आखिर बात क्या है, क्या गलती हो गई? मैंने कहा कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, पर हमारे घर में बुरी नजर। क्या हुआ बाबूजी, कुछ कुछ बताओ तो सही। कुछ उससे क्या बताऊँ, पूछना है तो उस कमीने से पूछ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? किसी ने पैदा की है ये हिम्मत। कौन है और कहाँ है वो? मेरे दिल में है। यानी तुझे अंजाम की कोई परवाह नहीं है? छतरे, गाँव में रहना है तो इसे समझा ले, तो है वही रहे। वो पहले जैसी बात नहीं है, अपनी सोच बदलो ऊंची जात वालों। तू जानता नहीं कि हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं। निखिल तू पागल तो नहीं हो गया? समझा ले इसे। घर से निकला तो वापस नहीं आएगा। चल भाई। क्यों रे, ये तूने क्या कर डाला? अपनी औकात ही भूल गया? काम पर रहने देगा कि नहीं रहने देगा? कर क्या रहा, तुझे कुछ पता भी है? हद हो गई भाई, हद हो गई इससे। तो तुझे मैं इस घर की जान समझता था। इसने तो हमारी नाक कटवा दी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तुझे यही लड़का मिला? क्यों भाई, दुनिया में तुझे यू ही लड़की मिली है? वो भी इसी गांव की। ये हमें इस गांव से निकलवा के ही मानेगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? यही कि बनी दीनादाद की बेटी जत्रे के छोरे के साथ भाग गई। और पढ़ा लो ना, और शहर भेज दो। जा जमात क्या पड़ गया, अपने औकात ही भूल गया? ये तेरी माँ उनके खेतों में काम करते करते घास काटते काटते बूढ़ी हो गई। और इसने, तेरे बाप ने उनकी चाकरी में, उनकी ठोकरों में ये जूतियाँ बना बना के अपनी जिंदगी काट दी। तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई, मेरी इज्जत खाक में मिला दी, और तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया है। इसने ऐसा दाग लगाया है कि पीढ़ियों तक धुल नहीं सकता। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? मैं इसे अभी पंडित जी के घर ले जाऊं और पांव में पड़ के माफी मांगूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा तू? तू हमारे छाती पे मुंह डालेगा और कोई कसर बाकी रह गया है क्या? कोई कसर नहीं, जल्दी से जल्दी इसकी शादी करा दो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। शादी से पहले घर से बाहर ना निकल पाए, ये सब जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्यों, मैं कोई कैदी हूँ क्या? हाँ, कैदी है तू। ते अगर पाँव बाहर निकाला तो गर्दन काट दूंगा तेरी। साजन ये मत जा, I'm not afraid to die.
अरे चतरे, कहाँ है तेरा छोरा? कहाँ छुपा रखा है तूने उसे? जान से मार देंगे उसे हम। बता कहाँ है वो? हाँ भाई पंडित जी।
रहे हैं। हाँ भाई पंडित जी, अपनी लड़की पे नजर न रखी गई। अब हम ये जुलम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। अगर किसी ने भी चतरे चाचो कुछ कहा तो मजबूरन हमें सामने आना पड़ेगा। ठीक है चतरे, हम देख लेंगे। जल्दी से सामने लाना वरना हम क्या करेंगे, तू सोच के भी कांप उठेगा। चलो अब यहाँ से। सुजाता, ये जमाना बहुत खराब है। हाँ जी, आजकल लड़कियाँ कुछ भी ना सोचती, कहीं भी डूब जा। करनी तो सामने आएगी ही, जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं अब क्या होता है। बहुत हो गया अमित भैया, अब चतरे के छोरे का काम तमाम करना होगा। समझ ले, हो गया। मलखी को मैंने कह दिया है काम तमाम करने के लिए। और सीमा? सीमा को कुछ नहीं होगा, मलखी को मैंने बोल दिया है। ये तो क्या कह रहा है मलखी? सच कह रहा हूँ, सिर्फ सच। तरुण और उसकी गर्भवती बहू की सुपारी पंडित ने, उसकी तो शब्द करो ठाकुर साहब, बदला लिया जाएगा बदला। मगर कैसे मलखी? जैसे खुद देशा। समझा नहीं। उसने जो तुम्हारी बहू के साथ किया ना, तुम भी उसकी लड़की के साथ वही हश्र करो। मर्डर नहीं, बुरा हाल चाहिए, पर मगर वो तो भाग गई। तो क्या हुआ, दाम कराएंगे काम। मेरे आदमी सब ढूंढ लेंगे उनको। कितने लगेंगे? मात्र 5 लाख, वो भी एडवांस, है ना अब्दुल? जा दिए 5 लाख मलखी, पर काम जल्दी होना चाहिए। हो गया समझो काम। हेलो निखिल। हाँ, कहाँ पे है तू? मैं राजन के पास जा रहा हूँ। वो बिजनौर वाले दोस्त के पास? हाँ, उसी के पास। ठीक है भाई, वैसे अब कहाँ हो भाई? अभी हम बिजनौर वाले रास्ते में। अच्छा भाई, ध्यान से रहना और सुनो, कोई भी दिक्कत हो ना मुझे जरूर बताना। हाँ ठीक है, तू अपना ध्यान रख, मैं कल फिर फोन करूंगा भाई। ठीक है, रख दो, नमस्ते। नमस्ते। अमरोहा से बिजनौर। Thank you.
भी नहीं है। इसी में हूँ मैं सब। हाँ। आग लगा दूँ? निकाल माचिस। हाँ हाँ निकाल माचिस। मैं निकालूँ माचिस। निकाल माचिस। माचिस? नहीं नहीं है यार। हट। दिन भर बीड़ी पीता रहता है। कोई माचिस नहीं है किसी के पास। क्या जिंदा रहने प्यार
पानी पीना, पानी। तो रुक मैं पानी लेके आता हूँ। और सुनो एक बात ध्यान से, अगर मुझे थोड़ी भी देर हुई तो तुम्हें निकलना है चुपचाप, ठीक है ना? नहीं मत जाओ, मुझे पानी नहीं चाहिए। सुनो नहीं। मैं एहतियातन बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ अगर कोई बात हो तो। आधा घंटे तक अगर मैं नहीं आता हूँ, आधा घंटे तक यहाँ से हिलना नहीं है, और आधा घंटे तक अगर नहीं आता हूँ तो चुपचाप निकलना है, चुपचाप जैसे। नहीं प्लीज मत जाओ, देखो मुझे पानी नहीं चाहिए। नहीं प्लीज मत जाओ, मुझे नहीं चाहिए पानी। मैं कुछ नहीं होगा ना, मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ मैं यही हूँ, ठीक है? चल ठीक है ना, मैं आ रहा हूँ, और जो मैंने बोला ध्यान रखना है। हाथे छूटा भागना है, अगर मिल गई तो नोच नोच के खा जाएंगे उसे। तूने ली you
उसे तो ये भी नहीं पता कि तरुण और निखिल की सुपारी उसी के लड़कों ने दी है। मलखी, ठाकुर भी यही समझता है कि तरुण की सुपारी में पंडित का हाथ है। उन्हें तो ये तक पता नहीं कि इन दोनों परिवारों में कोई लड़ाई नहीं, जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, ये खेल हम खेल रहे हैं और इस खेल में दोनों परिवार बर्बाद हो जाएंगे और इसका फायदा उठाएंगे मलखी और दुश्मन बना दिया। और तुम्हारे जैसे दानों का शिकार होते हम जैसे लोग, न जाने मेरी बच्ची का और किस हाल में होगी। बताइए क्या बात है, क्या बात है? यहाँ से 10-12 मिनट में थाना है, वहाँ से जाके आप थाने के नहीं, लेकिन आप पुलिस वाले तो है ना। अरे मैडम, मैं अपनी ड्यूटी से आ रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, आप आगे जाइए।
दो पल का प्यार, इतना हंसी होता है ये पल दो पल का प्यार, दिल को सुकून देता है ये पल दो पल का प्यार, दिल को सुकून देता है ये पल दो पल का प्यार। दिल को सुकून देता है ये पल दो पल का प्यार।